प्रताप, उनके पास पावर है, पुलिस है, सरकार भी उन्हीं की है। लेकिन कब तक छिपेंगे? हम भी देखते हैं। प्रताप, तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई हमारे अपने थे। उस साले तुम्हारे ही नहीं, इस आनंदपुर गांव के हजारों जनता के दुश्मन है। तुम बस यहाँ रुको, डरना नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उन सालों से तो बदला लेना हमारा काम है। नहीं, मेरा काम है। जज्बाती हो रहे हो तुम, कि एक बार भी कभी बंदूक पकड़ी है तुमने? नहीं, बंदूक नहीं चाहिए, मैं एक कटार को सहूंगा उन तीनों में। तुम्हारे जज्बात समझता हूं मैं, लेकिन प्रताप इतना आसान नहीं है ये। तुम ये काम हम पे छोड़ दो। बाप मेरा, भाई मेरा, मां मेरी, बदला भी मेरा होगा। हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि नरसिम्हा, नागमणि और मंदा तीनों को एक साथ एक टाइम पे मारेंगे। नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग, एक एक करके, और हर एक के बाद अगले को वक्त दूंगा ताकि उसे मौत का खौफ महसूस हो। मतलब मौत तो मुक्ति होगी उनके लिए, इतनी आसानी से छुटकारा नहीं दूंगा। नागमणि ने प्लान बनाया, मंदा ने किया, और नरसिम्हा रेड्डी ने ऑर्डर दिया, तीनों को मारूंगा। और वो गोमती, नरसिम्हा रेड्डी की बीवी, जिसे मेरी मां अपनी बहन मानती थी, उसके सामने बेइज्जती की मेरी मां की। मेरी मां को थप्पड़ मारा और वो चुपचाप खड़ी देखती रही। सबसे पहले मैं उसको रुलाऊंगा। आंटी, प्रताप कहाँ है? पता नहीं,
वो मैंने टीवी पे देखा कि नरसिम्हा देवा रेड्डी के खून में प्रताप को जिम्मेदार ठहरा है, क्या वो सच है आंटी? मैं चाहती हूँ कि ये सच हो। आंटी मैं प्रताप के बिना नहीं जी सकती। तू सोचती है तू औरत है, छोड़ देगा, गलत सोचती है। प्रताप किधर है? नहीं बताया, पीस पीस काटूंगा। छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, वरना यही खोपड़ी खोल दूंगी तेरी। चल। मुझे माफ करना माँ, ये बुक का रेडी इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। रहने दो प्रताप, किसी को क्या पता था कि बुक का ऐसा करेगा। अरे लो ना माँ जी, थोड़ा सा थोड़ा सा। अब उधर बेटा, ना बेटा थोड़ा सा लेना पड़ेगा। बस 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 बेटा, मैं तो भूल ही गई, नंदिनी का फोन आया था। तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में पढ़ा और सुना होगा सब सच है। मैंने नरसिम्हा रेड्डी को मारा है। आगे चलकर और भी कुछ लोग हैं जिन्हें मारूंगा, वजह है मेरे पास। मेरी जान खतरे में है और जो भी मेरे साथ रहने का फैसला करेगा उसकी जान भी खतरे में होगी। मुझ जैसे आदमी के साथ तुम्हें अपनी सारी जिंदगी बितानी है या नहीं, ये फैसला तुम्हें करना होगा। कर चुकी हूं। मैं आपसे पूछने नहीं, सिर्फ बताने आया हूं। आपकी बेटी को ले जा रहा हूं मैं। नंदिनी की देखभाल मैं आपसे बेहतर करूंगा।
आशीर्वाद देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुखे रहो।